वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे मूंग दाल डोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। दाल को मैंने रात में अच्छी तरह धोकर भिगो दिया था। अब मैं इसको मिक्सी जार में पीस लूँगी। मैंने मिक्सी जार में दाल को पीस लिया है। देखिए, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ धनिया डालूंगी। स्वाद अनुसार इसमें नमक, स्वाद अनुसार लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें जीरा डालूंगी मैं, हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, और इसको अच्छी तरह मैं मिलाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, घोल हमारा तैयार हो गया है। अब मैं नॉनस्टिक पैन लूंगी, उसको गर्म करके ब्रश से उस पर तेल लगा दूंगी। अब कड़छी से हम जो घोल हमने दाल का तैयार किया था, इस पर देखिए इस तरह से फैला देंगे। अब हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। 1-2 मिनट के बाद देखेंगे कि ये ऊपर से देखिए इस तरह से पक गया है। स्टेज पे आकर हम इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने इसको पका लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मैंने इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो। मूंग दाल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और आयरन से भरपूर होता है। ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। इससे बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। और जो लोग डाइटिंग करते हैं और जो लोग अपना वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं, उनके लिए ये डोसा बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए आप इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।